राशन के लिए एक टास्क होता है जिसके लिए घर वालों को अपने कुछ पर्सनल सामान देने होते हैं जलने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो करण होता है, करण की जब बारी आती है तो करण बोलता है मैं अपने नाखून कटवा लूँगा, अपने कुछ भी करवा लूँगा, भूखा रह लूँगा एक दिन के लिए, लेकिन इस इंसान के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोऊंगा, तो मुझे क्या बोलते हैं नॉमिनेट होना चलेगा, लेकिन इस इंसान के पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा। इस इंसान मतलब वो कहना चाहता है अविनाश को। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक शॉल होती है जो ईशा की माँ की होती है, उसको ईशा जलवा देती है और फिर मतलब बच जाती है। तो बाकी लोग तो सब अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो करणवीर होता है दोस्तों, करणवीर यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है और मतलब अविनाश के आगे झुके नहीं, इसीलिए वो खुद को अपने आप नॉमिनेट करवा लेता है और बोलता है कि मैं इसके ईगो के आगे झुकूंगा नहीं और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन दोस्तों ये तो एक टास्क था, इसमें इसको टास्क की तरह निभाना था, जो ईशा ने इसको टास्क की तरह निभाया और बाकी घर वालों ने भी टास्क की तरह निभाया। लेकिन यहाँ पर करण हमेशा की तरह अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर बोलते हैं कि उनके सामने झुकेंगे नहीं और ऐसा वैसा। आप देखते क्या इन दोनों में लड़ाई फिर से होगी।